सो हेलो गाइस, कैसे हो सभी? हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? अच्छा तो यार मुझे एक चीज बताना कि इस बार आपका एल्फ्रेस्को का ये डेकोरेशन कैसा लगा आपको? तो ये बार यार डेकोरेशन टीम ने जोरदार तालियां हो जाए। ठीक है, तो देखो आज का मैं अपना प्ले स्टार्ट करने से पहले एक चीज बोल देता हूँ, यहाँ पे मैं जो कुछ भी बोलूंगा ये बस एक मनोरंजन के लिए, आपके फन के लिए, तो कृपया करके सर ने दिल दिमाग और फेफड़े पर ना ले, आपके सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, जान भी जा सकती है। ठीक है, तो एक अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, हो सकता है कुछ लोग आप में से मुझे जानते होंगे और कुछ लोग आप में से मुझे नहीं जानते होंगे, तो मैं बता देता हूँ कि आई एम प्रतीक अग्रवाल, अ सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम सीएमएचडीएस कोलकाता। अबे ये तेरा यूट्यूब चैनल नहीं है? सॉरी यार, ये यूट्यूब मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी लगता है। तो यार ये यूट्यूब ने यार मुझे बहुत कांड करवाए, बहुत जगह फंसवाए हैं। मैं आपको सुनाता हूँ एक चीज, एक किस्सा कि क्या हुआ कि मेरे साथ फर्स्ट ईयर में हमारी बायोकेमिस्ट्री की क्लास चल रही थी और प्रोफेसर लेक्चर ले रहे थे, और क्या हुआ कि गलती से मेरी आंख लग गई और मैं उस क्लास में सो गया। तो सर ने देखा और जाने से मुझे खड़ा किया, हे यू ब्लैक मास्क स्टैंड अप। तो मुझे लगता है लोग समझ गए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, सही जवाब। तो सर ने मुझे खड़ा किया, स्टैंड अप, मैं भी खड़ा हुआ, यस सर, ओके ओके। तो सर ने बोला व्हाई आर यू स्लीपिंग? तो मुझे तो समझ नहीं आया कि एक बार सर क्या बोल रहे हैं। तो सर गुस्से में कुछ क्वेश्चन पूछे मुझे सब्जेक्ट रिलेटेड, तो ऑब्वियसली वो मुझे आता नहीं था क्योंकि मैं सो रहा था। अब उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं जगा हुआ था तो भी मुझे नहीं आता, ये मुझे पता है। तो कोई बात नहीं, तो फिर सर ने मुझे और गुस्सा होकर ऐसा बोला कि ठीक है अपना नाम बताओ, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारे पेरेंट्स से बात करना पड़ेगा। तो वहां पे भी मेरा यूट्यूब मेरे साथ, हेलो सर आई एम प्रतीक अग्रवाल, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम सीएमएचडीएस कोलकाता। तो सर भी, ओ यूट्यूब है यूट्यूबर। तो बस उसी दिन के बाद से मेरा नाम सर ने मिस्टर यूट्यूब ही रख दिया यार, मतलब सर के पास वाइवा देने में जाओ तो सर प्रतीक के नाम से नहीं जानते होते, ओ दैट यूट्यूबर यूट्यूब गाय। अच्छा अच्छा, तो भाई ये फर्स्ट ईयर में तो बहुत कांड करवाया भाई, खाली मिस्टर यूट्यूब के नाम से जाना चाहता था मैं। ठीक है यार, यूट्यूब पर प्रमोशन बहुत हुआ, मेरे टॉपिक पे आते। तो अभी जूनियर साहब लोग सभी को अपने अपने रूम मिले होंगे, अच्छे अच्छे आपके रूममेट्स के साथ रूम में मिले होंगे, तो रूममेट्स का गेट मजा आ रहा होगा, अच्छे अच्छे स्टोरी बन रहे होंगे। तो यार मेरा रूममेट का मैं बताता हूँ कि मेरे रूममेट के साथ कुछ अजीब सा किस्सा है, मतलब कि यार ये बंदा अच्छा तो है, दिल से बहुत अच्छा है, और भाई पर इसका एक एक पैसा बहुत पैसे बंदे के पास, मतलब इतना पैसा बंदे के पास कि बंदे के पास आईफोन 13 यूज करता है, बंदे के पास आईपैड है घर पे, क्योंकि वो यूज ही नहीं करता, घर पे इतने पैसे वाले लोग हैं कि वो आईपैड एकदम घर पे ऐसे पड़ा हुआ है। भाई के पास अपना खुद का फ्लैट है जो बंद पड़ा रहता है, खाली वीकेंड में अय्याशियां करने के लिए जाता है वो। तो वो सोचा कि यार अब बहुत ज्यादा पैसे हो गए तो पैसे कहाँ खर्च करूं। तो जस्ट रिसेंट अभी 2 दिन पहले भाई ने 8,000 रुपए का हेडफोन खरीद लिया है, 8,000 रुपए का हेडफोन। अरे यही नहीं, हद तो तब हो गई जब मुझे लगा अभी जब हमारे सेमेस्टर के एग्जाम खत्म हुए तो बंदा घर से लौट रहा था, टिफिन में भाई टमाटर की सब्जी लेके आया है, टमाटर की सब्जी, समझ सकते हो आप लोग कितना पैसा है इसके पास। लेकिन जब भाई को सुबह उठ के प्रेशर लगता है तब भाई के पास धोने के लिए हैंड वॉश नहीं है, जब भाई को नहाने जाना होता है भाई के पास साबुन नहीं है, नहाने के लिए बाल्टी नहीं। एक बार तो मैं देखा उठ के मेरा रूममेट गायब, बाल्टी गायब, मैं समझ गया वही लेके गया बंदा, मैं टॉवल पहन के बैठा हूँ 1 घंटे वेट करो रूममेट का, भाई आएगा मैं बाल्टी लेके जाऊंगा नहाने। भाई एक बार तो क्या हुआ कि मैं नींद से उठा, मैं देखा कि मेरे कच्छे गायब और देखा मेरा रूममेट भी गायब। मुझे लगा कि भाई ये कौन सा शौक कर रहा है भाई मेरा रूममेट, एक बार की तो डर गया मैं। तो फिर मैं एक बार थोड़ा सा रूम को अपना छाना, देखा अच्छा ठीक है, नहीं मेरे कच्छे सही सलामत है, मेरा रूममेट को कुछ नहीं हुआ, हम लोग सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं जो भी है। तो भाई इस टाइप का चिंदी लेवल का बनता है, और जब मैं उसे पूछा कि भाई तो इस टाइप का क्यों है भाई, मतलब ऐसा क्यों करता है, बोला मैं सस्ती चीजों पे पैसे खर्च नहीं करता। ठीक है, तो जैसा भी है, और भाई एक तो इसके पास कभी कुछ खाने को नहीं रहता। रात को जब एक बार ऐसा हुआ कि मुझे बहुत भूख लगा था, मैं पूछा कि भाई कुछ खाने को है तो यार कुछ खाने को दे दे, तो वो बोला नहीं मेरे पास कुछ खाने को नहीं है। तो मैंने बड़े गुस्से में बोला भाई तेरे पास कभी कुछ नहीं रहता, खाने को भी कुछ नहीं है, कुछ तो दे, बोलता ये ले जोर खा। क्या बोलो भाई, कोई बात नहीं, हैशटैग रूममेट गोल्स। ठीक है, तो अभी जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी 1-1.5 महीने के अंदर आप लोगों का भी एक नया जूनियर बैच आने वाला है,
तो मुझे कुछ ऐसे कमेंट्स और मैसेज आते हैं कि डीएम में पूछते हुए कि भैया आपके कॉलेज में पीजी रेडियोलॉजी कैसी है, पीजी डर्मेटोलॉजी कैसी है, मुझे रेडियोलॉजिस्ट बनना है, कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, तो कैसे कर सकते हैं, मेरे क्लास 10th एग्जाम में 90% आए हैं। तो सोचा साले चूजे तू अंडे से तो निकल जा पहले, अभी तुझे पीजी रेडियोलॉजी की लग रही है। हाँ मुझे खुद नहीं पता कि मेरे कॉलेज में कितने ब्रांचेस है पीजी के, और मैं इसे बताऊं अभी मुझे खुद का पता नहीं है कि मैं एमबीबीएस क्लियर करके डॉक्टर बन पाया नहीं, एनएमसी ने यहाँ पे नेक्स्ट लाके थोप दिया है, पता नहीं चलेगा कि डॉक्टर कितने लोग बन पाएंगे। और इसमें बताऊं कि पीजी करना है रेडियोलॉजी में, भाई अगर फर्स्ट ईयर में एमबीबीएस की एनाटॉमी की बुक माथे पड़ गई भाई तो जमीन के अंदर 2 मीटर धस जाएगा। और बोलता है भाई मुझे पीजी रेडियोलॉजी करनी है, क्या बोलो भाई आजकल ये बच्चे ऐसे है। तो देखो यार अब एल्फ्रेस्को आपका फ्रेशर चल रहा है और इसमें अगर आपकी बातें ना हो तो बड़ा अधूरा सा लगेगा, क्यों है कि नहीं। तो थोड़ा सा जूनियर की बात करते हैं हम लोग, तो इस बार का जूनियर बैच हमारा बड़ा ही प्यारा है कि नहीं, हमारा जूनियर बैच बड़ा ही प्यारा है, कोई नहीं बोल रहा है। अच्छा ये प्यारा तो है यार, पर एक बात है भाई तुम लोग खाते बहुत हो, बहुत ही खाते हो, पता नहीं भाई इतनी भूख आती कहां से, इतने पेट में जगह कहां से। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, अभी रिसेंट में क्या हुआ कि हमारे सीनियर्स ने छोटा सा गेट टुगेदर एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया कि जिसमें हमारे सीनियर्स, हमारे बैचमेट्स और कुछ जूनियर्स भी थे। तो वहां पे मुझे बाद में भैया पार्टी खत्म होने के बाद बोलते हैं कि भाई तेरे जूनियर बैच इस बार कैसा ही आया यार, 25 लीटर कोल्ड ड्रिंक लटका गए, 25 लीटर कोल्ड ड्रिंक। तो मैंने पूछा कि भैया तो हो सकता है बहुत सारे जूनियर होंगे, 30-40 जूनियर होंगे तो हो गया। पता नहीं भाई 8 लोग थे भाई। तो मुझे फिर लगा अच्छा ठीक है भैया, हो सकता है उन्होंने पहले खाना नहीं खाया, वो तो भूख लगनी होगी तो शायद ज्यादा खा रहे हो। पता है भाई तू क्या बात कर रहा है भाई, आधा से ज्यादा स्टार्टर उन्होंने खत्म किया है, गले तक स्टार्टर भर के रखा था, उसके बाद मेन कोर्स पे आया तो भाई नाक तक भरा हुआ था। तो भाई मेरे मन में तो कोल्ड ड्रिंक कहाँ डालोगे। तो ठीक है यार ये तो है। अब एक ऐसे बताता हूँ कि क्या हुआ था कि एक बार मेरे एक दोस्त ने अपने जूनियर को कुछ डायग्राम्स बनाने दिए, मतलब 5-6 डायग्राम्स था, हमें अगले दिन सबमिट करना था। तो उसने जूनियर को बोला कि भाई तू ये डायग्राम्स मेरे लिए बना दे, मैं मुझे अगले दिन सबमिट करना है। तो जूनियर भी ठीक है बोला कि भैया मैं बना दूंगा, अगले दिन आपको दे दूंगा। तो वो अगले दिन बना के भैया को मेरे बैचमेट को दे दिया। तो उसके बाद एज अ सीनियर हमारा क्या फर्ज होता है कि हमारे जूनियर्स को उनके काम को बोले कुछ ट्रीट दे। तो वो मेरा दोस्त एक अच्छा सीनियर बन के बोला कि भाई ठीक है तूने ये बनाया, तुझे जो खाने तो खा ले। खाने के बाद जब मेरा दोस्त उससे पूछता है कि भाई कितने का बिल हुआ, वो बोलता है बंदा भैया 600 रुपए। 600 रुपए? मैं बोला कितने लोग खाए थे? भैया मैं अकेला ही खाया था। तो कुछ नहीं कर सकते, उसे बिल भरना पड़ा। तो आप लोग समझ सकते हो कि यार कितना खाते हैं यार हमारे जूनियर्स, पर हमारे जूनियर्स प्यारे बहुत हैं। अब मैं बताता हूँ कि यार मेरे साथ क्या हुआ हमारे जूनियर्स को लेकर के, कि जब मैं अपना बोनसेट बेचने गया तो कुछ जूनियर्स मुझे अप्रोच किए कि भैया हम लोग आपका बोनसेट खरीद लेंगे। तो मैं भी बोला ठीक है भाई, अच्छा ये मेरा बोनसेट बिक जाएगा। तो आए कुछ जूनियर्स मेरे पास बोनसेट का बात करने, तो मैंने बोनसेट बेच दिया। और उसके बाद वो बोलते ठीक है भैया अब बोनसेट तो आप बेच दिए हो, अब इसके बाद क्या? मैं बोला इसके बाद क्या? तो वो बोलने लगे भैया अब ट्रीट। बोला ये कौन सी नई प्रथा बना रहे हो तुम, इसके बाद ट्रीट कौन मांगता है? मैं बोला कि भाई ऐसा कुछ होता है कि जब सामने वाला कुछ देता है उसके बदले में ट्रीट दिया जाता है, यहाँ पे तो बोनसेट भी मैंने दिया, ट्रीट भी मैं ही दूं। तो वो बोलते कि भैया तो हमने भी तो दिया है आपको। क्या दिया है भैया? हमने भी तो पैसे दिए हैं आपको। तो ठीक है, मैं सोचा कि भाई ऐसा तो नहीं होता कि यार तुम्हारे पैसों से मैं तुम्हें ही खिला दूं। तो फिर वो सोचे कि थोड़ा चलो भैया का हम लोग थोड़ा बोझ कम कर देते हैं। तो बोलते हैं कि भैया कोई बात नहीं, एक काम करो आप हमें दादा बोधी में खिला दो, मुझसे काम चला लेंगे, दादा बोधी से हम काम चला ही लेंगे। मतलब इनका ऐसा है कि भाई दादा बोधी की 300 रुपए की बिरयानी आती है, उनसे इनका बस काम ही चल रहा है, जिससे भाई मेरे 3 दिन का कैंटीन का स्पेशल मील आ जाता है, वो भी एक्स्ट्रा पापड़ एक्स्ट्रा चटनी के साथ, और इनका काम चल रहा है उससे। भाई क्या बोलूं हमारे जूनियर्स को, पर यार जो भी है हमारे जूनियर्स प्यारे बहुत है। सो गाइस दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू गाइस, यू आर अ लवली ऑडियंस।